तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बांदा यूनिवर्सिटी का मैप व्यू देखने वाले हैं। तो जो बांदा यूनिवर्सिटी है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के एकदम मतलब पास में ही है, सटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस के पास में ही है, ये इसका गेट है बांदा यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी है रोड से बांदा यूनिवर्सिटी का गेट। फिर गेट से इंटर करेंगे आप तो जो इस साइड बिल्डिंग दिख रही है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये किसी वजह से अभी तक क्लोज है, अभी पूरा नहीं बना है। तो ये भी सुना है अब 1-2 साल में बन जाएगा और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो तिराहा है इससे हम इधर देखते हैं, इस साइड आते हैं तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बांदा है। अभी इधर भी जाके देखेंगे क्या है, पर इस साइड जाके देखते हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बांदा है। और इसमें इस साइड जिम भी खुला हुआ है, फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही हो गया। और ये जो आपको चौराहा दिख रहा है, इधर जाएंगे तो आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको ये गर्ल्स हॉस्टल, वर्षा हॉस्टल नाम से है, ये गर्ल्स हॉस्टल है। फिर इधर कॉलेज ऑफ होम साइंस मतलब कम्युनिटी साइंस की ये बिल्डिंग है, इसमें होम साइंस से रिलेटेड पढ़ाई होती है। फिर आगे चलते हैं तो ये है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये हॉर्टिकल्चर की बिल्डिंग है, मतलब इसमें फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस ये सब पढ़ाया जाता है। और यहीं पे भोलेनाथ मंदिर भी है, तो आप पूजा सब करने आ सकते हैं यहाँ पे। फिर इससे आगे आते हैं तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मैक्सिमम क्लासेस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट इसी में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में ही, जैसे सॉल साइंस, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स यहीं पे चलता है। फिर ये जो चौराहा है उसे इधर आएंगे तो आपको दिखेगा कॉलेज ऑफ वेटनरी, ये बिल्डिंग बन चुका है लेकिन अभी यहाँ पे क्लास नहीं चल रहा है। तो शायद इस साल या फिर अगले साल से कॉलेज ऑफ वेटनरी भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके आगे भी यहाँ पे कुछ TVCC बिल्डिंग नाम से कुछ बन रहा है, जब बिल्डिंग पूरा बन जाएगा तो मालूम चल जाएगा क्या है, प्रोसेस में है अभी, लगा हुआ है बनने में। फिर अभी इधर आते हैं तो हमको दिखेगा हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। तो ये आपको 4 बॉयज़ हॉस्टल दिख रहे हैं UG, ये UG का हॉस्टल है जो 4 हैं, और ये वाला PG आला PG हॉस्टल है। तो ये UG के हॉस्टल्स हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने रूम को भी यहाँ पे दिखा दिया है, लालू रूम, कृष्णा, निखिल रूम। तो ये है ये आला PG हॉस्टल BUAT, और इसके बगल में भी एक हॉस्टल अभी बन रहा है PG हॉस्टल। तो PG और PhD वाले मतलब MSc और PhD वाले ये इसमें रहते हैं, और इसके बगल में भी एक हॉस्टल बन रहा है प्रोसेस में, वो भी कुछ महीनों में बन जाएगा तो वो भी हॉस्टल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आते हैं, जैसे हमने इधर और इधर देख लिया, अब हम इधर चलते हैं देखें क्या है। इधर आते हैं तो इस एरियाज में ट्रायल्स चलते रहते हैं, जैसे ये देख सकते हैं फील्ड से इस पर ट्रायल लगा हुआ है, किसी प्लांट पर ट्रायल लगा होगा, जैसे चिरौंजी पर ट्रायल लगा है, ये देख सकते हैं। और इधर ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं। और इसमें ये जो है यहाँ पे अंजीर के पौधे लगे हुए हैं, इसमें अंजीर के पौधे लगे हुए हैं, मैप में उतना साफ नहीं दिखेगा। और इस साइड हॉर्टिकल्चर की तरफ से नींबू वर्गी फल मतलब सिट्रस फ्रूट्स लगे हुए हैं, इधर सिट्रस फ्रूट्स मोस्टली लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्चर्ड, हॉर्टिकल्चर वालों का बगीचा ये समझ लीजिए। फिर इस रोड पे आते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडम ऑफिस बोलते हैं इसको। यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग ये सब होता रहता है, मतलब जो प्रशासनिक टाइप काम होता है वो इसी बिल्डिंग में होता ही है। और इसके यहाँ आते हैं, ये यहाँ से इधर आते हैं, ये जो ये यहाँ का ग्राउंड है, तो आपको अगर खेलना वेलना है तो यहाँ आ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का स्टेडियम, इसमें सब कुछ इक्विपमेंट मतलब खेलने कूदने वाले सामान रखे हुए हैं। इस एरिया में बैडमिंटन होता है, और यहाँ पे वॉलीबॉल हो जाता है, कबड्डी भी यहाँ पे कबड्डी होता है। और इस जगह को तो आप देख के समझे जाए होंगे क्या है, ये तो ये क्रिकेट का फील्ड है। और ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे फुटबॉल के लिए लगा हुआ है, मतलब नेट लगा हुआ है, आप फुटबॉल खेल सकते हैं। और ये भी देख के आप समझ गए होंगे ये क्या है, हेलीपैड है। तो अभी जैसे कन्वोकेशन के समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आई थी तो हेलीकॉप्टर यहीं पे उतरा था। फिर हम आते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसके इधर आते हैं, तो ये इधर भी कुछ न कुछ मतलब किसी क्रॉप्स पर ट्रायल चल रहा है। और ये है पॉली हाउस ग्रीन हाउस, ये जो डिब्बे जैसा दिख रहा है पॉली हाउस ग्रीन हाउस है, ये देखिए लाइन वाइज रो वाइज क्रॉप्स लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहा है किसी न किसी का। फिर इधर आते हैं तो आपको IFS देखने को मिलेगा,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यह IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये IFS है। फिर इसके इधर आते हैं तो यहाँ से इधर अगर जाते हैं तो हम एग्रोफॉरेस्ट्री के ट्रायल्स पे, मतलब फील्ड पे देखेंगे। ये जो पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, प्लांट लगा हुआ है, वो एग्रोफॉरेस्ट्रीज के प्लांट्स हैं। जैसे यहाँ पे तुलसी लगा हुआ है, तुलसी पर ट्रायल चल रहा है कुछ ना कुछ। इसके आगे आते हैं ऐसे तो ये सब जो दिख रहा है वो सब ट्रायल ही है। और ये यहाँ का बैक गेट है, ये जो है ये गेट जैसा दिख रहा है, ये यहाँ का बैक गेट है, मतलब दूसरा एक गेट है। यहाँ से भी स्टूडेंट्स लोग जाते हैं चाय पीने के लिए। इस जगह में चाय पीते हैं, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे चाय पीते हैं, मतलब अपना कुछ भी काम, समोसा वमोसा कुछ भी खाने के लिए। इसके अंदर भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर भी समोसा चाय सब मिलता है, लेकिन यहाँ पे शायद बढ़िया मिलता होगा। फिर आते हैं इसके यहाँ पे, यहाँ से हम गए थे इधर। यह है कन्वीनियंस सेंटर, शॉपिंग सेंटर। तो मतलब आपको कॉपी किताब, पेन पेंसिल, चाय समोसा ये सब यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये कन्वीनियंस सेंटर जो कि फॉरेस्ट्री बिल्डिंग के जस्ट सामने है। तो यहाँ से हमने देखा था बांदा यूनिवर्सिटी का। अब देखते हैं इसमें फील्ड्स कहाँ पे हैं, मैक्सिमम फील्ड्स जहाँ पे ट्रायल चलते हैं। तो उसके लिए हमको इधर जाना होगा, कॉलेज ऑफ होम साइंस, ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के करीब। ये जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और ये हॉर्टिकल्चर है। तो यहाँ पे भोलेनाथ मंदिर भी है। इधर अगर हम जाएंगे तो हमको फील्ड्स दिखेंगे। ये जो आपको डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस ये सब बना हुआ है। और ये है पानी वाली टंकी, ये है आरओ प्लांट, ये है सीड प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर इस जगह से आप इधर जाते हैं तो आप हॉस्टल की तरफ जा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, इधर आते हैं तो ये हॉस्टल वाले रोड पे हम आ गए हैं। तो हमको देखना है फील्ड्स। अब हम देखते हैं तो ये देखिए आपका ये सब फील्ड्स हैं, कुछ ना कुछ ट्रायल लगा हुआ है एकदम रो वाइज लाइन वाइज। ये PSP फील्ड है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फील्ड। तो इधर सब ट्रायल लगा हुआ है। ये जो दिख रहा है ये तालाब है, मतलब सिंचाई के लिए यहीं से पानी यूज होता है। इसमें एक और चीज़ देखने लायक है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो ये कुछ हाफ कर्व शेप का बिल्डिंग, मतलब ये जो बांदा यूनिवर्सिटी है हाफ कर्व शेप के अंदर सब कुछ बनाया गया है। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, सेम डिस्टेंस पे सभी कॉलेज का निर्माण किया गया है। तो जैसे यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर है, ये होम साइंस है, इधर इंजीनियरिंग बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी, मतलब सेम डिस्टेंस पे बना है हाफ कर्व शेप में। और जो भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बिल्डिंग है, देखते ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बिल्डिंग है, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ऊपर से। और ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसका भी ऊपर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सब सेम है, जैसे वेटनरी का भी देख लें तो वो भी इसी तरीके से है। तो बिल्डिंग्स के सभी डिज़ाइन एकदम एक ही तरह है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, यही था बांदा यूनिवर्सिटी। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो बिल्कुल देख सकते हैं, मतलब गूगल मैप पे बांदा यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। फ्रेंड्स बाय बाय।